सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ फ्लॉप आवर ब्लॉग्स। तो आज का लोकेशन कुछ अजल अलग सा है, मतलब हम लोग भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ है। आप पीछे देख रहे हो क्लाउड्स कितनी अच्छी दिख रही है आपको, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट्स पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कितना हाइट होगा। संजीत कुछ बोलता ही नहीं है आज फिर से ब्लॉग में, हमारे साथ संजीत जुड़ा है। संजीत कुछ बोलो यार, हाई हेलो, जगह के बारे में बताओ, कैसा लगा आने में, क्या है? द रोड इज वेरी गुड। रोड अच्छा है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सराउंडिंग इज आल्सो गुड, मींस इट्स अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पीछे टेंपल्स हैं, हाँ, और क्या है इसमें? तो बेसिकली ये राइड के लिए, आपको लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा जगह है। रोड काफी अच्छा है, मैं डिटेल्स में और बताता हूँ आपको इसके बारे में। क्या होगा जगह का नाम क्या है, मालापाकोंडा इस जगह का नाम है, जो कि बैंगलोर से 100 किलोमीटर के रास्ते में आता है। और थोड़ा सा ट्रैक होगा, आई होप सो, मतलब अब ये जाने का हम लोग कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पीछे बाइक पार्किंग है, प्लांट्स के नीचे आप लगा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कहीं भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा भी जगह है अच्छा है, मतलब अच्छी जगह है, मतलब फॉर श्योर। रास्ता काफ़ी अच्छा था, मतलब अराउंड हम लोग 9:30 को निकले थे, बीच में आधे घंटे का ब्रेक, और आराम से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं 12 बजे तक, आराम से। बेसिकली ये जो जगह है ना, बैंगलोर से काफ़ी अच्छा लोकेशन पर है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु होकर आपको आंध्र प्रदेश में आना पड़ेगा। हम लोग दो रास्ता दिखाएगा आपको, एक कोलार के थ्रू और एक दिखाएगा कृष्णागिरी के थ्रू। हम लोग ने कृष्णागिरी का रास्ता लिया, क्योंकि वी स्टे इन साउथ बैंगलोर। अगर आप ईस्ट बैंगलोर में रहते हो तो आप उधर से आ सकते हैं। ये रहा वो कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, प्लांट्स के नीचे लगाया ताकि धूप कम लगे। और ये रहा पहला टेंपल, और वो रहा ऊपर का शिवलिंग जहाँ पे जाने का प्लान है। और अर्ली मॉर्निंग वहाँ काफ़ी क्लाउड्स होते हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टरनून में पहुँचे हैं, तो वहाँ पे क्लाउड्स अभी कम होगा। तो अभी ऊपर जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है और क्या फीडबैक है सारी चीज़ें। तो चढ़ाव उतना कुछ खास नहीं है, मतलब आप देखोगे तो नॉर्मली है। लास्ट जो ट्रिप था हमारा रामनगर, उससे तो कम ही है, बहुत हद तक कम है। तो अभी चढ़ना स्टार्ट किए हैं, पीछे टेंपल देख सकते हो आप, टेंपल है वहाँ पे, वहीं पे गाड़ी पार्क किया है हमने। और ये एक अनदर टेंपल जैसा कुछ तो बन रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली ये लोगों को रहने के लिए बनाया जाएगा। अभी ट्रैक ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लास्ट टाइम जो हमारा बैंड बजा था ना रामनगर में, तो वैसा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी तक का सबसे ईजी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता नहीं बना हुआ है एक्चुअली, ये पूरा ऑफ रोडिंग टाइप का है जो चढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी रिस्की है एक्चुअली, यहाँ पे कोई भी बाउंड्री जैसा कुछ नहीं है, अगर आप गिरे तो गए जहाँ तक मुझे लगता है। और चढ़ के जाने के लिए देख लो आप, ऐसा बना हुआ है बस। तो सेफली आओ, और ग्रिप वाले शूज़ जैसा हम लोग हर ट्रिप में जाते हैं, विथ वाटर एंड कुछ खाने पीने का सामान। बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको ऐसे कटिंग से ऐसे, बट जहाँ लोग जाएंगे हम वी विल फॉलो द सेम, हम उनको फॉलो करके ही आगे आगे बढ़ेंगे। धूप ठीक है बट उतना गर्म नहीं लग रहा आफ्टरनून के 12 बजे भी, क्योंकि हो सकता है हम लोग इतने हाइट पे हैं तो थोड़ा ठंडा हवा है, ठंडा है थोड़ा। देख लो इट्स नॉट ईजी, इतना ही हम लोग चढ़े हैं अभी तक। ये रहा पहला टेंपल जो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया है, आपको प्लांट्स के बगल में दिखेगा। कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग के, आराम से आप ट्रैवल करते हुए इजीली आ सकते हो। और जैसा मैंने बोला, नो सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ नहीं बना है। ये देख लो हम लोग जहाँ खड़े हैं अभी, यहाँ से ऐसे गया सीधा नीचे, तो इट्स नॉट सेफ। बट हाँ, अगर सब लोग साथ में हो, इजीली अच्छे से हो, ग्रिप वाली जूते हैं, तो आराम से आ सकते हो, राइट संजीत? यस, संजीत ने यस बोला। ओके, तो कुछ कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है यहाँ पे अजीब सा। ओ इट्स अ फुल्ली ऑफ रोडेड, ऑफ रोड है ये तो। रास्ता है नहीं, बनाया गया है ज़बरदस्ती ये। सारा कीड़ा है यार यहाँ पे आसपास, आई थिंक मधुमक्खी है, तो जैकेट पहन लेना ठीक होगा। और रास्ता देखो इस टाइप का है, आई थिंक थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे कीड़े हैं एक्चुअली, आई डोंट थिंक सो कि जाना सही होगा। क्या संजीत, मधुमक्खी है? हाँ मधुमक्खी है।
आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे, देखेंगे लेट पीपल्स को, देन हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मधुमक्खी है एक्चुअली ऊपर, हद से ज़्यादा। अब देखो तो आई एम नॉट श्योर मेरे अंदर भी गया होगा, तो पहन लिया और इसको ऊपर तक कर लिया ताकि कोई भी मधुमक्खी अंदर ना जाए। बट इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली टू बी फ्रैंक, आई डोंट नो सिर्फ यहाँ पे है या ऊपर भी होगा। जल्दी जल्दी, वी कांट वेट हियर। यहीं पे सारा सारा का सारा कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है एक्चुअली। साफ सफाई और सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द शिवलिंग जो रास्ते में दिख रहा था, ये रहा वो रास्ता जिससे हम लोग आए हैं अभी, एकदम घाटी के बीचों बीच। उसी रास्ते से हम लोग अभी आए हैं घाटी के एकदम बीचों बीच होते हुए, जो कि काफ़ी अच्छा रास्ता अच्छा बना हुआ है। और ये रहा एक छोटा सा शिवलिंग, ये रहा चारों तरफ का व्यू। ये सीढ़ी बना है किस चीज़ का चता नहीं, चलो चल के देख लेते हैं। हाँ तो चलो ना, कुछ अलग व्यू दिखे। सो दिस इज इट। अरे भाई हिल रहा। We are on the top. और ये कुछ बना है सीढ़ी जैसा, चढ़ना सेफ नहीं है क्योंकि ये मूव कर रहा है थोड़ा, नीचे उतर जाना ठीक होगा। पिलर इसका डैमेज है, थोड़ा देर यहाँ बैठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बैठ चुके हैं वहाँ पे, जाके फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो आप। और ये रहा लोकेशन का डिटेल, चलो आगे भी चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस वन आल्सो। ओहो थोड़ा सा डेंजर है अच्छे से आने का, चाहे बाहर है तो ठीक है बट फिर भी ओके। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस है, वन डे ट्रिप के लिए बेस्ट है, आप आ सकते हो। और पीछे आपको ये शिवलिंग दिखता है एक्चुअली दूर से देखने पे, और इधर पूरा घाटी सेक्शन आपको दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल वी कवर्ड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से टर्न लिया था हमने, कृष्णागिरी से लेफ्ट टर्न लिया था, फ्रॉम देयर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और फोटोज़ खिंचाने की बहुत सारी जगह है, मतलब आके आराम से फोटोज़ वगैरह आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे फोटोज़ लेने के लिए थोड़ा सा लाइन है, और मंकीज़ भी थोड़ा परेशान कर सकते हैं, सो थोड़ा सा सेफली आना। हाँ जैसा मैंने बताया, इंसेक्ट्स एंड मंकी दो चीज़ हैं जो यहाँ परेशान करेंगे आपको। फ़ोटो लेने के लिए थोड़ा सा लाइन लगना पड़ सकता है, क्योंकि दो चार पॉइंट्स ही हैं ऊपर में जहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं। आपको पीछे दिखेगा अभी शिवलिंग्स जैसा अच्छे से, तो बाहर से दिखने से अच्छे से विजुअल होता है, नज़दीक से उतना कुछ खास नहीं लगता है। आजा भाई संजीत। तो ये ट्रिप है ट्रैक, आप बता सकते हैं इसको ट्रैक ट्रिप जो बोलो। और इंसेक्ट्स आप कीड़ा मकोड़ा देखोगे बहुत सारा उड़ रहा है यहाँ पे आसपास। एक तो ऑलरेडी मेरे अंदर गया था, आई डोंट नो, मुझे अगर कट किया होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी तक पेन नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो आई थिंक उसने बाइट नहीं किया होगा। बट बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा है सीरियसली, एंड रास्ता तो आप देख ही सकते हो। तो मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, बट हाँ आप वन डे ट्रिप के लिए आओ जाओ सब सही है ना संजीत। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे एटलीस्ट जो भी मेंटेनेंस है मंदिर में है, वो भी थोड़ा बहुत, उतना भी कुछ खास नहीं। बट इसको अगर स्टेयर्स बना देता या फिर इंसेक्ट्स को हटा देता, थोड़ा क्लीन कर दे, तो इट्स गुड वन। तो नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, नई जगह के साथ, नया कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।